हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, तो ये जो है गाइस हमारे पास यहाँ पे होम थिएटर का ट्रांसफार्मर है गाइस। तो इसका जो प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ पे हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो गाइस यहाँ पे जो है रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक साइड ये जो प्राइमरी कॉयल है ये ओपन बता रहा है और गाइस ये सेकेंडरी कॉयल ओके है, तो इसलिए ये पूरा डेड कंडीशन में ये ट्रांसफार्मर है गाइस। तो गाइस आज इसे हम रिपेयर करने वाले हैं। तो रिपेयर करने से पहले मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि ये किस तरीके से रीडिंग आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मल्टीमीटर लेते हैं, बजर पे लगाता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए रीडिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल भी रीडिंग नहीं है। और यहाँ पे जो है सेकेंडरी कॉइल में अच्छे से रीडिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये गाइस ये जो ट्रांसफार्मर है ये जला हुआ नहीं है, तो ये ओपन बता रहा है। क्योंकि गाइस अगर जला हुआ होता तो गाइस यहाँ पे जो है ग्राउंड पे वैल्यू आती थी, तो यहाँ पे सिर्फ आपस में वैल्यू नहीं आ रही है। जो प्राइमरी कॉइल है वो ओपन बता रहा है। और गाइस मेरे पास एक अच्छा ट्रांसफार्मर भी है, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कॉइल के वायर, और यहाँ पे मैं लगा के बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे जो है रीडिंग आ रही है। तो यही प्रॉब्लम है गाइस अपने ट्रांसफार्मर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इसे खोल के मैं पूरा रिपेयर करके बताने वाला हूँ। और गाइस आप भी अगर ट्राई करके आप बना सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं गाइस। तो देखिए गाइस किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर खोल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब इसमें हम तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई शेप में पट्टी रहने वाली है और गाइस ई शेप में पट्टी रहने वाले हैं, तो इसे हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए गाइस यहाँ पे हम कील वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे मेरे पास कील की तरीके का ही है गाइस यहाँ पे, तो इसकी जगह पे आप कील भी यूज़ कर सकते हैं इसे निकालने के लिए। तो यहाँ पे गाइस दिक्कत आ रही है गाइस, यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर जंग लग गया है यहाँ पे, इसलिए ये पूरा पैक हो चुका है। तो इसे मैं फिर भी निकालता हूँ इसे किस तरीके से। तो देखिए गाइस इस तरीके से गाइस यहाँ पे हमारी कॉइल निकल चुकी है। ठीक है, और अब इसे हम देखेंगे और ये पूरे प्लेट में अलग रख देता हूँ बाजू में। यहाँ पे जो है हमारा जो है स्टिकर ये निकाल देंगे, ऊपर का जो कवर निकाल देंगे हम। तो यहाँ पे गाइज हमें एक काम करना होगा गाइज, यहाँ पे जो है हमारे जो है सेकेंडरी कॉइल हमें निकाल के एक जगह पे लपटा के रखना पड़ेगा, और गाइज उसके बाद ही ये जो है हमारी प्राइमरी कॉइल दिखने वाली है गाइज। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये पूरे जो कॉइल के वो जो वायर है, ये जो वायर है मैं सेकेंडरी कॉइल पूरी बाहर निकाल देता हूँ किसी में लपटा के, और गाइज इसे हम देखेंगे।
तो देखिए गाइस, जैसे कि गाइस यहाँ पे जो मैंने वायर देखा है गाइस, यहाँ पे पूरे जो है एल्यूमिनियम है गाइस। तो कभी भी गाइस ट्रांसफार्मर खरीदते समय गाइस कॉपर का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि गाइस एल्यूमिनियम का इसी तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा वायर हमने इस तरीके से निकाल दिए हैं अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल दिए हैं। तो गाइस अब यहाँ पे देखिए, तो इसके जो है प्राइमरी कॉइल के वायर ये है, और ये जो है ये जो पेपर है गाइस, प्रोटेक्शन पेपर, तो इसके नीचे है गाइस। तो देखिए गाइस, यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है गाइस, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वायर निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं मीटर से चेक करता हूँ यहाँ पे लगा के, तो वैल्यू आती है क्या देखेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो है हमारे जो है वायर यहाँ पे है गाइस, ठीक है। तो अच्छे से इसे निकाल के मैं अच्छे से लगा दूंगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम है, तो इसे सोल्डर नहीं लगने वाला है, तो गाइस इसे सिर्फ ऐसे लपटा के लगा देंगे। तो यहाँ पे लीड लगा के चेक करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो है हमारे जो है प्राइमरी कॉइल के जो वायर यहाँ पे टूटे हुए थे, यहाँ पे इस तरीके से लगा दिए हैं, और अच्छे से टेप लगा के इसे पैक कर दिया है गाइस यहाँ पे। और गाइस इसके ऊपर गाइस एक मास्किंग टेप लगा के गाइस ये पूरा वायर है गाइस इसके ऊपर जैसा था वैसा लपटा देंगे। तो जैसे कि गाइज यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे हमने वायर अच्छे से इसके अंदर लपेट दिए हैं, और गाइज यहाँ पे जो है थोड़ा सा बड़ा साइड दिख रहा है, तो यहाँ पे पकड़ से हल्का हल्का यहाँ पे प्रेस कर देंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे हमारे प्लेट लगने वाले हैं। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे हमारे शेप में आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेट लगाने पर गाइज यहाँ पे ये अटकेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मास्किंग टेप लगाएंगे।
ट्रांसफर करवाएंगे। ठीक है। अभी गाइस हमें इसमें वायर लगाना है, उसके बाद इसके पूरे प्लेट लगाना है। तो वायर थे गाइस यहाँ पे हमारे, तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारे कॉइल इस तरीके से फिट हो चुका है। ठीक है, अभी गाइज इसमें प्लेट लगाना है, तो यहाँ पे प्लेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लगाना है गाइज इस तरीके से। एक नीचे एक ऊपर इस तरीके से ई प्लेट लगा देना है। तो देखिए गाइज इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारा जो ट्रांसफार्मर पूरा पैक हो चुका है यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे जो है दो तीन प्लेट बच चुके हैं, तो ये नए लगाने पर भी चलता है गाइज, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो है फुल हो चुका है। अगर इसे ज़बरदस्ती करेंगे तो गाइज ये जो है अंदर की कॉइल को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए गाइज यहाँ पे जो है हम ये नए लग रहे हैं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हम कवर लगा देंगे। ठीक है गाइज इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर ओके हो चुका है। यहाँ पे मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करूँगा कि किस तरीके से, और गाइज इसके बाद करंट में लगा के मैं चालू करके भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो ओपन हो चुके थे, तो फिर रीडिंग आ रही है क्या देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग आ चुकी है। ठीक है, और ये ग्राउंड पे भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, और गाइज ये सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, आपस में कुछ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है गाइज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम पावर लगा सकते हैं। पावर के लिए गाइज यहाँ पे मैं कॉर्ड लगाऊंगा। तो देखिए गाइज यहाँ पे किस तरीके से चलने वाला है। यहाँ पे स्पार्क आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है गाइज। ठीक है, तो मल्टीमीटर पे रीडिंग बताता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ गाइज यहाँ पे AC 200 पे, और यहाँ पे मैं इस तरीके से लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ट्रांसफार्मर ओके हो चुका है गाइस। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर रिपेयर कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।